मौजूदा हुकूमत को मतलब के थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, मतलब के अगर प्राइम मिनिस्टर जो है लोगों कौमी तफाक राय पैदा करेगा तो उससे उसका कद बड़ा हो जाएगा, उसका कद छोटा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठिकना हो गया है। और कोरोना वायरस किसी का लिहाज नहीं कर रहा, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की राहदारियों में भी पहुंच गया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी पहुंच गया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वही कर रहे हैं जो ट्रंप लोगों के साथ कर रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर सूबाई हुकूमतों से लड़ रहा है, ट्रंप अपने गवर्नरों से लड़ रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन जमातों से लड़ रहा है, वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ रोज़ाना तकरीर करता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर शकील रहमान को और मीडिया को जिस तरीके से उसने यहाँ पे सिंगल आउट कर दिया, लोगों को जेलों में डाला है, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने CNN पर वहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है, वहाँ पे मीडिया को वो सिंगल आउट कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बड़े लोग मर चुके हैं और ये कोरोना जो है वो किसी का लिहाज नहीं कर रहा, ना किसी सुपर पावर का या किसी और का। तो लिहाजा मेहरबानी करें, अपने आप को बड़ा समझें, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ठिगने हैं, कोडू हैं, और कोडू सियासत जो है इस मुल्क में मजीद नहीं चलेगी। नैब किए कानून में अमेंडमेंट का एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेके आई थी, उसकी मुद्दत तकरीबन पूरी हो चुकी है और हमारी इतला है कि उसके ड्यूरेशन में एक्सटेंशन के लिए उस ऑर्डिनेंस को ये असेंबली में लाना चाह रहे हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कंसिडर्ड ओपिनियन है और ये अपोजिशन की तमाम जमातें भी इसके साथ इत्तफाक करती हैं कि नैब का कानून एक काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है। इस कानून के बनाने वालों की नीयत ख़राब थी जब यह बनाया गया था, और जो अमेंडमेंट्स हम डिमांड कर रहे हैं इसमें से हम में से कोई बेनिफिशरी नहीं है। हम नैब की कानून के इस अजाब को भुगत के अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से सुरखरू होके आज कौम के सामने खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम सियासतदान, हमारी तो ये किस्मत है कि हम सवाल करेंगे और जेल जाएंगे, ये पाकिस्तान की 71 साल तारीख है। हमारा सवाल ये है कि कारोबारी लोग या बेगुना सिविल सर्वेंट्स जिन्हें अप्रूवर बनाने की कोशिश की जाती है और वो नहीं बनते, वो जेलें काटते हैं कई कई साल से। तो हमारा मुतालबा ये है गवर्नमेंट से कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस हैं नैब कानून में अमेंडमेंट के लिए, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो गाइडलाइंस दी हैं आप उसको फॉलो करें, और जो CRPC है पाकिस्तान में राइज कानून, उसके मुताबिक अपोजिशन के मुसवदे पर अब हुकूमत इस सेशन में आगे बढ़े। और अगर वो ये चाहते हैं कि हम नैब का ये जो ऑर्डिनेंस किया इसमें वो हमारी मदद लेना चाहते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करने के लिए और अपना रियासती निज़ाम चलाने के लिए जो उनके साथ ड्राफ्ट शेयर किया जा चुका है बहुत अर्सा पहले नैब कानून में अमेंडमेंट का, उस पर अब हुकूमत को डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करने की बजाय आगे बढ़ना होगा ताकि कंसेंसस के साथ एक बेहतर कानून जो है वो कौम के सामने आ सके। मेरे